अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी व्लॉग। कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, पता नहीं क्या हो रहा था, वैसे टेम्परेचर फील हो रहा था। तो ये मेरे पास पैनाडोल पड़ी हुई थी, तो ये मैंने दो पैनाडोल खाई हैं। अलाया भी बड़ा तंग कर रही थी, अलाया ले लेके घूम रही थी, फिर उसको वो मुझे ज़िद्द कर रही थी कि मामा मुझे दो, फिर उसको मैंने एम टी जो होगा था ना उसको वो दिया। और ये जो कपड़े इसने पहने हुए थे उसमें भी बड़ी इरीटेट हो रही थी। इसमें भी नहीं है स्पैगेटी से, एक मिनट मैं देखूँ तो सही, इनमें या ऊपर वाले में नहीं नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं है, एक मिनट रुको। है तो सही थी मेरे पास स्पैगेटी, सामान ही इतना अल्लाह के हुक्म से, मगर क्या आना तो क्या आना, ये क्या चीज़ है, ये भी मैक्रोनीज है, ये भी मैक्रोनीज है, नहीं नहीं है स्पैगेटी, ये देखो ये भी नूडल्स पड़े हैं, चीज़ी पास्ता वन, ये हैं पड़ी हुई स्पैगेटीज। मैंने बोला था ना स्पैगेटीज हैं मेरे पास, ये स्पैगेटीज भी है, लज़ानिया भी है। क्या कह रही हो, कैरेट कैबिज और क्या और क्या, चिकन कैबिज ना डालो स्पैगेटीज में, कौन कैबिज खाता, नहीं कैबिज नहीं डालनी इनमें। व्हाट अलाया इधर आए, आप अपना हेयर स्टाइल चेक कर लें, वो निकल नहीं थी, कंफर्ट लग रही है आपको, आपने दूसरी पहन ली है। व्हाट व्हाट देख लें, आप जूती भी नहीं पहनती, वो शू लेके आओ अपने, गो दो उधर पड़े हैं, और किधर घुस गई है अलाया। अच्छा ये हम बना लगे हैं स्पैगेटीज, बना लगे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं बनाते, थोड़ी कम कर ले, दो हम खाने वाले हैं तो इतने ज़्यादा, पानी तो बॉयल हो गया। अलाया आप पीछे हटो ज़रा, बस फटाफट बन जाना, ये पानी बॉयल कर रहे हैं, ये मैं थोड़ी हाफ स्पैगेटीज इसके अंदर डालती हूँ, मैंने डाल दी है, चलें ये बॉयल होता है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना, और इसमें डाल लूँ ऑयल। चलें जब तक स्पैगेटीज बॉयल हो रही हैं तब तक मैंने ये चिकन निकाल के फ्रीज़र में, कल का मैंने ये जिपर बैग में डाल के इस तरह रख दिया, जितनी मुझे नीड है मैंने उतने उतने पैकेट्स बना के रख दिया है, उसको मैंने निकाल दिया था। हाँ जी, तो ये अब मेल्ट हो गया, अब मैं इसको पहले हम स्टीम फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद स्पैगेटीज बॉयल हो जाती है, तब तक चिकन भी रेडी हो जाता है। अलाया मेरी जान छोटी, उठे आए आपको ग्रेप्स, बिस्मिल्लाह, चलो। अलाया बड़ा तंग कर रही है आज से, पता नहीं है इसको क्या मसला, मैं इसको ज़रा ग्रेप्स दूँ, ग्रेप्स लगे चिकन फ्राई करने लगे, उसके लिए पहले मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल, मैंने गार्लिक को थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके रखा हुआ था वो डालते हैं, कहाँ होने लग गया, हो गया, चलें जब इसमें चिकन डाल देती हूँ, बीस मिनट कल जहाँ से मैं चिकन ले के आई ना, उसको मैंने बोला था इसमें स्ट्रिप्स बना दो, तो उसमें देखें कुछ क्यूब्स बना दिए हैं, कुछ स्ट्रिप्स बना दिए हैं, चिकन वाइट होना शुरू हो गया ना, अब इसको ज़रा फ्राई करके ना इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म करेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने काटी हुई हैं वो डालेंगे।
अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, बट थोड़ा थोड़ा अंदर से भी कच्चा है, तो मैंने कहा जल्दी से ना इसको थोड़ा सा पानी लगा के इसको स्टीम पर रखती हूँ, तो फिर डालती हूँ वेजिटेबल्स। ये लें जी, मैंने स्टीम पर रख दिया। ये मैंने कैरेट्स काटी हुई, कैबेज नहीं मुझे पसंद, वो नहीं मैंने ऐड करवाई, और ये कैप्सिकम। चलें, जब तक चिकन फ्राई हो रहा है मुझे आपसे एक बात करनी है कि माशाल्लाह इतना मुबारक मंथ स्टार्ट है, तो क्यों ना हम सब मिलकर उन बहनों बेटियों के लिए दुआ करें जो बेचारे रिश्ते के लिए परेशान हैं, कि अल्लाह ताला उनका नेक नसीब खोले, अल्लाह ताला उनके नसीब बुलंद करें। क्योंकि मेरी बात हुई, मेरी एक फ्रेंड है हीरा उसका नाम है, तो आप स्पेशली उसका नेम लेकर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके नेक नसीब खोल दें और अल्लाह उसके नेक नसीब बुलंद करें। और जितने भी लोग परेशान हैं रिश्तों की वजह से, अपने अपने घरों की वजह से, लोगों के घरों में जितनी परेशानी है, इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी तरह अब चलें, ये मैंने कैरेट्स डाल दी हैं, तो अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन में, क्योंकि कैरेट्स थोड़ा सा टाइम लेती हैं, कैप्सिकम जो होता है ना वो इतना टाइम नहीं लेता, और वैसे भी वो कच्ची कच्चा ज़रा मज़ा आता है कैप्सिकम का। तो चलें, तब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और साथ साथ बस ऐसे मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि अल्लाह ताला जिनको बेटियां दे उनको पहले नसीब सबसे ज़्यादा नेक और बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, और एक और स्पेशल दुआ आपसे करवानी है कि मेरी सिस्टर है वो बड़ी अपसेट है, तो काइंडली उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो उसके हक में बेहतर से बेहतरीन है अल्लाह ताला उसको वो अता कर और उसको इन सब मसाइल से छुटकारा दें, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल के इसको भी ज़रा फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। वैसे पर्सनली मुझे कैप्सिकम बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे फुल गली हुई नहीं पसंद है, इसमें जब थोड़ा थोड़ा कच्चापन रहे ना तभी ज़रा मज़ा आता है। चलें, अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल लें। इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, अपने टेस्ट के लिहाज से डाल लें। इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, इसमें डालूंगी थोड़ी सी सफेद मिर्च, इसमें डालूंगी थोड़ा सा चिली सॉस, इसमें जाएगा सोया सॉस, कुछ लोग इसमें विनेगर डालते हैं कुछ नहीं, बट मुझे तो पसंद है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा विनेगर। इस पैकेट को मैंने स्टेन करके इसमें ठंडा पानी ऊपर डाला था ताकि जुड़े ना एक दूसरे के साथ, और अब मैं एंडिंग पर इसका डाल दूँगी इस पैकेट। हाँ जी, तो उस पैकेट मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका। हम खाने वाले तो दो लोग हैं, बनाई मैंने इसलिए ज़्यादा है कि हम ज़्यादा शौक से खाते हैं दोनों सिस्टर्स। चाइनीज़ फूड वैसे ही लोग बड़ा खाते हैं, लेकिन मुझे भी पर्सनली चाइनीज़ फूड बड़ा पसंद है, क्योंकि मैं वैसे ही नमक मिर्च कम ही खाती हूँ, तो मैं जो आम घर में भी खाना बनाना हो मेरा चाइनीज़ टाइप का ही होता है। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त बन गया हुआ है।
अच्छा जी, सिस्टर आई हुई है, उसको मैं डाल के देती हूँ और देखती हूँ किसको पसंद। उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बोला जाए वीडियो में। अब पता चला। चलो मैं सर्व करती हूँ और देखते हैं कि इसको पसंद आया कि नहीं। बिस्मिल्लाह। Enough? Girl. अच्छा, वो बड़ा हेजिटेट फील करती है, कहती वीडियो में मेरा नाम तक ना लो। और लाया उतना ही उसका नाम नेम देती है। ये हुई मेरी प्लेट। चले जी, आ जाए जी जिसने खाना है। और ये मैं आई हूँ ड्रेसिंग रूम में। ये मेरे आ रहे हैं, मेरा मेरे हस्बैंड अभी लेके आई, बहुत अच्छी है, फिलिप्स की है, आप देख सकते हैं। और ये मैम, तो चलें जी, मैं बड़ा मैस बिखरा हुआ तो मैं यहाँ लाया सो रही, तो मैंने सोचा क्यों ना चीज़ें समेट नहीं पा ले। बस अलाया जब इधर आती ना तो वो रोती है, मामा मुझे ऊपर उठा के ना बस चीज़ों की तबाही मचाना। सो उसका जो तो दिल करता है वो करती जाती है। और मेकअप ब्रश इसकी तो बड़ी वो फैन है, उसको जब मर्जी दे दो उसको तभी चाहिए होते हैं। और ये मेरा सीरम है जो कि मैंने मंगवा तो लिया बड़े शौक से, बट यूज़ ही नहीं किया। अब मैं सोच रही इसको यूज़ किया करूँगी। ये मेरे पास इंक्लॉट का आईलाइनर है, शौक से अपने हस्बैंड से हर चीज़ मंगवा लेती हूँ बट यूज़ नहीं करती। इसके पीछे क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये है बीबी का, बीबीए का, जिस जहाँ जहाँ लाया फिर बस चलता है ना, बस वहीं वहीं चीज़ों की तबाही ले आती है। देख सकते हैं ये लाया कि बैंगल्स हैं जो उसकी नान, जब वो पैदा हुई तो उसकी नानों ने दिए, इसमें से बड़ी ज़्यादा उसने पहन ली हुई है। ये देखिए छोटी सी हैं, अब तो वो पहनती नहीं, बड़ी बड़ी उसके साइज़ की हैं बट वो अभी पहनती नहीं है। ये मैंने अभी बनवाया था, ये लाया का फ़ैन मैंने रखा होगा जिसकी मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी तो लाइट यहाँ से जाती नहीं है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इस। और यहाँ मैंने एक्स्ट्रा सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारे लोशन वगैरह और यहाँ सारे नेल पेंट्स मैंने पड़े हुए हैं। ये बाथरूम के साथ ही मेरा ड्रेसिंग रूम है, इधर मैं कपड़े चेंज वगैरह करती हूँ, और साथ ही इधर लाया था बेडरूम है जो जिसका टूर मैं आपको दे चुकी हूँ। मैं अभी सो के उठी हूँ तो सो मेरी मैसी हालत है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं देख लूँ अलाया सो रही है, तो अभी रात का तकरीबन 3 बजे बज गए हैं, तो मैंने कहा पहले ये सेटिंग कर लूँ सारी, इसकी सेटिंग करने वाली थी, चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी
तो बस जी ये है मेरा ड्रेसिंग रूम जो कि मैंने आपको दिखाना था, ये मैंने अभी बनवाया और ये मैंने इम्तियाज़ सेंटर से लिया है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि इनको कैसे लगाऊं। $1 शॉप से, इम्तियाज़ सेंटर किंग्स मॉल में है ना $1 शॉप, वहाँ से मैंने परचेज़ करा, बट मुझे इसको नहीं लगाना आ रहा था इसलिए मेरे पास ये हैंगिंग के लिए था तो मैंने यहाँ इन दोनों का हैंग कर दिया। चलो इनमें लगाऊंगी मैं ला के लाइट्स, तो फिर ऑन करके देखेंगे क्या रिजल्ट है इसका। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक मस्ट कीजिएगा, कमेंट भी मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।